जनपद संभल के बनियाठेड़ थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने युवक पर चाकू से हमला कर गला रेता घायल इलाज के लिए चंदोसी के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी के बनियाठेड़ थाना क्षेत्र के गांव अखरोली का है, जहां पर गांव के ही कुछ युवकों ने गांव के ही युवक पर चाकू से हमला कर गला रेत दिया। जब परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने बनियाठेड़ थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को इलाज के लिए चंदोसी के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इस विषय में घायल की मां मायावती ने बताया कि गांव के कुछ युवकों ने मेरे बेटे के ऊपर हमला कर दिया और फरार हो गए। वहीं इस विषय में संयुक्त चिकित्सालय के प्रभारी ने बताया कि युवक के गले पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है, यहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। कोई बात ना आई, दरवाजे पे बैठे मेहमान आए भाई हमारे, हम तो रोटी बना रहे, ये दरवाजे पे लेकर के बैठ गए, हमें का खबर ही आके बान कोरिया भर लई, एक मार के भज गओ, दो एक न कोरिया भरी एक मार के भज गओ और संगे पे ऐसे ही भज गए। क्या नाम है उनका? अब नाम जितेंद्र और अतुल। इसमें किसी सार पे जो ऑब्जेक्ट से नेक में इंजरी हुई है इनको, ठीक है, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार दिया है, इतनी हालत गंभीर नहीं है, कोई मेजर वेसल इंजरी नहीं है ना ही ट्रेकिया में कोई इंजरी है। फिर भी मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जिला अस्पताल संभल भेज रहा हूँ। ठीक है।